children, welcome to Asa Education. Aaj hum kar rahe hain chapter Discovering Turd, the Sega News. Hornbill Book, Grade 11 se. Is chapter ki question answers aur exercise. Pehla section hai Reading with Insight. First question hai Give reasons for the following. Aapko reasons batane hain. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Ab ye jo Tutankhamun hai, inki jo body hai, usko bar bar scrutinize kiya ja raha tha. Kyun? Tut's body has been examined numerous times because he was the world's most famous mummy. Tutankhamun ki jo body thi, usko bar bar isliye examine kar rahe the, kyunki world ki sabse famous mummy thi. Aside from the gold-plated face of the coffin, visitors to the tomb believed that there was a mystery surrounding the young ruler's untimely death. जहाँ एक तरफ उनका जो कॉफिन था उसके ऊपर जो फेस बना हुआ था वो गोल्ड प्लेटेड था, वहीं जो टॉम में विजिटर्स आ रहे थे उनका ये मानना था कि ये जो यंग रूलर थे इसकी जो असमय डेथ हो गई उसके पीछे कहीं ना कोई कोई राज है. They also wondered if the pharaoh's curse which befell those who disturbed his resting place was true or not. जो विजिटर्स थे उनको कहीं ना कहीं एक ये भी उत्सुकता थी जानने की कि अगर बाय चांस जहाँ पर ये मम्मी रखी हुई है वहां पर कोई आकर उसकी वो जो रेस्टिंग प्लेस है उसको डिस्टर्ब करता है तो कहीं फेरो का जो श्राप है वो लग ना जाए. ये बात सच है या नहीं, मतलब जो भी आकर उनकी रेस्टिंग प्लेस को डिस्टर्ब करता है तो उस पर कहीं फेरो का श्राप लगता है या नहीं, ये बात भी उनको जानने की बहुत उत्सुकता थी. दूसरा है हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज डिसेंटेड. जो हावर्ड कार्टर थे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उस पर काफी लोग नाराज थे. क्यों? Howard Carter's investigation, which took place in the 1920s, was criticized because King Tut's body was badly damaged in an attempt to separate it from the golden coffin. जो Howard Carter थे, उनकी जो investigation जांच चल रही थी, जो कि 1920 में हुई, उसकी काफी आलोचना हुई. वजह क्या थी कि जो Tutankhamun की body थी, वो बहुत बुरी तरह से damage हो गई जब उसको उसके golden coffin से separate करने की कोशिश करी जा रही थी. He has used unethical methods to extract the gold and had made no effort to investigate the cause of death. उन्होंने जो है कुछ गलत तरीके अपनाए ताकि वो जो है गोल्ड को निकाल सके और उन्होंने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि वो जो है ये जानने की कोशिश करे कि इनकी डेथ का क्या कारण था. Carter has to chisel away the solidified raisins to raise the king's remains. जो कार्टर थे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो उस पर जमा हुआ रेजिन था उसको हटाने के लिए ताकि किंग की जो बॉडी उसको उठाया जा सके उसमें उन्होंने छेनी लगाई, मतलब एक तरह से कहते हैं काटने की कोशिश करी. हावर्ड हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन टू रेड स्टट्स रिमेंस व्हिच हैड बिकम सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन एंड शोड नो साइंस ऑफ एस्केपिंग. हावर्ड जो थे उनको छेनी चलानी पड़ी ताकि वो जो जमा हुआ रेजिन था उसको हटा सकें, टट के जो रिमेन्स है उनको ले सके क्योंकि वो जो है ऐसे जम गए थे बिल्कुल कॉफिन के बॉटम में, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सीमेंट की तरह पत्थर हो गए थे और कहीं से भी निकलने का कोई एस्केप का रास्ता नहीं था. नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द कॉफिन. कितना भी जोर लगा लो कॉफिन से बॉडी को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे. नॉट इवन एक्सपोजिंग इट टू द स्कॉर्चिंग सन कुड मेल्ट द सॉलिड रेजिन. यहाँ तक कि अगर तुम तेज धूप में भी जो है बॉडी को रख दो उस कॉफिन को ओपन करके तब भी जो है वो जो सॉलिड हो गया था रेजिन वो पिघल नहीं रहा था. फिर है टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स. जो टट की बॉडी थी Tutankhamun की उसको जो है बहुत सारे ट्रेजर के साथ जो है बरी किया गया था. क्यों? टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग साइड गोल्ड एंड अदर ट्रेजर्स बिकॉज At that time, the royals and rich individuals wished and believed that they might take their wealth with them until they died and use it for the afterlife. Tut's ki body jo thi, usko jo hai bury kiya gaya, tab uske saath jo hai gold aur bhi bahut sara treasure jo hai wo bury kiya gaya. Wajah kya thi ki us time pe ye mana jata tha ki chahe royals ho ya jo rich individuals hain, unki ichha bhi hoti thi aur wo ye mante the ki wo apni sari jo sampatti hai wo apne saath le jayenge jab wo जब तक उनके साथ ही रहे, मतलब भले ही वो मर जाए लेकिन उनके साथ रहे ताकि वो जो है उसको आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल कर सकें. द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम Tutankhatun टू Tutankhamun. इसका क्या कारण था कि जो बॉय किंग था उसने अपना नाम Tutankhatun से बदलकर Tutankhamun रख लिया. Tutankhamun, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम Tutankhatun टू Tutankhamun इन ऑर्डर टू रिस्टोर एवरीथिंग दैट हिज फादर हैज डिस्ट्रॉयड. Tutankhamun जो है उसने अपना नाम इसलिए रखा Tutankhatun से ताकि वो हर उस चीज को वापस कर सके, वापस ले सके, सही कर सके जो उसके फादर ने डिस्ट्रॉय कर दी. नेक्स्ट है लिस्ट द डीड्स
that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. अब आपको वो एडिट्स बतानी हैं, वो इंसिडेंट्स बताने हैं, कार्य बताने हैं जो जिसके कारण रे जॉनसन ने अखेनातन जो थे उनको एक तरह से मस्खरा या मजाकिया बताया. रे जॉनसन डिस्क्राइब अखेनातन एज वैकी बिकॉज ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क ओवर एमन द मेजर गॉड चेंज हिज नेम फ्रॉम एमन होटेप टू अखेनातन रिलोकेटेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम Thebes to Akhenaten and destroyed Amun temples and idols, thus shocking the entire country. Ray Johnson ने कहा कि जो Akhenaten थे वो wacky थे क्योंकि उन्होंने क्या किया जो एथन थे sun disk उसकी worship को promote किया बजाय जो उनके major god थे Amun उनकी जगह उनका नाम जो है वो बदल कर Amenhotep से Amenhotep रख दिया Akhenaten से साथ ही साथ जो उनकी religious capital थी उसको Thebes से Akhenaten जो है relocate कर दिया जितने भी आमन टेम्पल्स थे या उनके जो आइडियल्स थे उन सब को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया इससे पूरी कंट्री को जो है एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन सीटी स्कैन के क्या नतीजे थे द सीटी स्कैन रिवील्ड किंग टट्स नेक वर्टेब्री अ हैंड सेवरल फ्यू ऑफ द रिब केज एंड अ स्कल ट्रांजेक्शन एवरीथिंग इंडिकेटेड दैट नथिंग सीरियस हैड गॉन रॉन्ग जो सीटी स्कैन था वो ये बताता है कि जो किंग टट का नेक की वर्टिब्री थी उनका हाथ था कुछ जो उनके रिब केज के व्यू दिख रहे थे या जो स्कल ट्रांजेक्शन है वो हुआ था सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा था और सब कुछ देखने के बाद ये पता चला कि नथिंग सीरियस हैड गॉन रॉन्ग कुछ भी जो है बहुत ऐसा नहीं हुआ है जो कहा जाए उनके साथ गलत किया गया हो लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैड इम्प्रूव्ड द फॉरेंसिक एनालिसिस अब आपको ये बताना है कौन कौन से एडवांसमेंट हुए टेक्नोलॉजी में जिसके कारण जो फॉरेंसिक एनालिसिस होती है जांच होती है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी हुई है इंप्रूवमेंट्स हुए हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ रेदर देन द ट्रेजर बरीड विद द रिमेन्स हैज शेप्ड द फ्यूचर ऑफ आर्कियोलॉजी इन फॉरेंसिक एनालिसिस अब क्या है जो आर्कियोलॉजी की जो फॉरेंसिक एनालिसिस होती है इसमें मेनली जो इंट्रोडक्शन हो गया है मेडिकल टेक्नोलॉजी का उसके कारण अब फोकस जो है ज्यादा उनका जीवन के पहलू पर या उनकी जो डेथ का रहस्य है उस पर ज्यादा होता है बजाय जो ट्रेजर बरी किया गया है रिमेन्स के साथ उसके ऊपर द एक्सरे वॉज इन्वेंटेड फॉलोड बाय द सीटी स्कैनर विच अलाउड फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग एक्सरे का इन्वेंट हो गया साथ ही साथ सीटी स्कैनर आ गए जिसके कारण अब जो इमेज है उसको अच्छे से डायग्नोज किया जा सकता है मतलब जो बॉडी है उसकी एक तरह से इमेज लेके उसको डायग्नोज किया जा सकता है It creates a three-dimensional virtual body from ancient remains, revealing body parts that have been preserved for thousands of years. ये एक तरह से three-dimensional, एक virtual तौर पे, real नहीं, virtual तौर पे body जो है वो create कर देती है, जो पुराने remains है उससे. नतीजा क्या होता है? उससे body parts जो है वो पता चलने लगते हैं, वो वाले जो खास तौर से हजारों साल से preserve किए हुए हैं. फिर है explain the statement, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. आपको ये स्टेटमेंट बताना है कि जो किंग टट थे तूतनखामन ये सबसे पहली ममी थी जिसको स्कैन किया गया इन डेथ और इन लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट किंग टट वाज द फर्स्ट फैरो हुज ममीफाइड बॉडी वाज स्कैन्ड 3300 इयर्स आफ्टर हिज डेथ इस स्टेटमेंट के अनुसार जो किंग टट थे वो पहले ऐसे फैरो थे जिनकी बॉडी जो है वो वैसे ही ममी की फॉर्म में थी और उसको स्कैन किया गया उनकी डेथ के 3300 साल बाद When he was alive, he was a well-known figure. जब वो जिंदा थे तो बहुत जानी मानी हस्ती थे Even though he was only a boy, he was intelligent and practical, making bold decisions and restoring lost customs and traditions that his father has destroyed. कहने को वो एक बहुत छोटी उम्र के लड़के थे लेकिन बहुत ज्यादा समझदार थे प्रैक्टिकल थे काफी बोल्ड डिसीजंस लेते थे और जो भी कस्टम्स थे ट्रेडिशंस थे जो उनके फादर ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे उनको उन्होंने वापस लाने की काफी कोशिश करी He ruled for 9 years, but his death was unexpected, leaving the cause unknown. कहने को उनकी जो डेथ थी वो जो है पता नहीं किस कारण अचानक असमय हो गई जबकि उन्होंने 9 साल तक शासन किया लेकिन क्या डेथ का कारण था वो किसी को भी पता नहीं चल पाया अब है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल यहाँ पर एक आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज जो कि डेविड क्रिस्टल द्वारा है उसमें से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी गई है इजिप्शियन इज नाउ एक्सटिंक्ट इट्स हिस्ट्री डेट्स फ्रॉम बिफोर द थर्ड मिलेनियम बीसी प्रिजर्व्ड इन मेनी हायरोग्लिफिक
inscriptions and papyrus manuscripts. Around 2nd century AD, it developed into a language known as Coptic. Coptic may still have been used as late as early 19th century and is still used as a religious language by monophysite Christians in Egypt. Egyptians jo hai ek tarah se ab extinct ho chuke hain. Unki jo history hai wo 3rd millennium BC se pehle ki hai. Kai sare jo hieroglyphic inscriptions hain ya jo papyrus manuscripts hain usme preserved hain. 2nd century AD ke around inke ek language develop hui thi jisko bolte hain Coptic. Coptic ka istemal jo hai early 19th century tak kiya gaya aur aaj bhi usko jo religious language ke taur par jo monophysite Christians hain Egypt mein wo use karte hain. Ab hai, what do you think are the reasons for the extinction of the language? Ye jo language ka extinction ho raha hai, khatam ho rahi hai, iski kya karan hai? Languages are becoming extinct for a variety of reasons. Bahut sare karan hai jiske karan language jo hai extinct ho rahi hai. A dominant language that is not native to the locals frequently replaces the main language. कोई भी एक ऐसी language जो है जो कि local नहीं है या स्वदेशी नहीं है locals के लिए वो जो है main language को बहुत जल्दी replace कर देती है. Other reasons include the genocide of the entire races, poor culture heritage preservation and the loss and damage of historical records. पहली बात, कोई भी अगर एक बाहर की लैंग्वेज आती है जो कि जो लोकल्स हैं उनके लिए नेटिव नहीं है तो वो जो है मेन लैंग्वेज को बहुत आसानी से रिप्लेस कर देती है. दूसरे कारण क्या है कि पूरी जो एंटायर रेस है इनकी उसको एक तरह से उसका जीनोसाइड हो गया, मींस मार दिए गए, ये पूरी रेस उसको खत्म कर दिया गया. जो उनकी कल्चरल हेरिटेज थी, सांस्कृतिक तौर पर जो विरासत होती है उसको ढंग से प्रिजर्व नहीं किया गया. साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उनका लॉस हो गया और वो जो है डैमेज हो गया. इसी कारण जो है एक्सटेंशन हो गया लैंग्वेजेस का. डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस? क्या जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम लैंग्वेज प्रिजर्व रखें? यस, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन इज क्रिटिकल, बहुत ज्यादा जरूरी है. लैंग्वेजेस आर एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग ए कल्चरल ट्रेडिशन. किसी भी कल्चर के क्या ट्रेडिशन रहे हैं उनको समझने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट टूल है. इट ऑल्सो अलाउज वन टू रीकनेक्ट विद देयर एंसेस्टर्स. इसके मदद से हम लोग जो हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पुरखे हैं, उनसे हम रीकनेक्ट हो सकते हैं कि वो क्या करते थे, कैसा है, हमें लैंग्वेज के आधार पर हम जान सकते हैं. लिटरेचर इज अ टूल फॉर प्रिजर्विंग एंड लर्निंग ए लैंग्वेज. और लिटरेचर क्या है? लिटरेचर वो टूल है जिसकी मदद से हम संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही साथ लैंग्वेज को सीख सकते हैं. In what ways do you think we could help prevent the extinction of languages and dialects? कौन से ऐसे तरीके हैं आपको लगता है जिसकी मदद से जो लैंग्वेज हैं या जो डायलैक्ट्स हैं इनका जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं? We can preserve language and dialects by recovering and practicing a lost language. जो हमारी भाषा खत्म होती जा रही है, कहीं खो गई है, उसी तरह की भाषा को प्रैक्टिस करना, उसको रिकवर करना, उसको प्रिजर्व करना, ये सब हम कर सकते हैं. टू डू सो वी मस्ट स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू स्पीक इन देयर मदर टंग मोर ऑफन, रीडिंग ओल्ड बुक्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज एंड कंजर्विंग विद द एल्डरली, कन्वर्सिंग विद द एल्डरली. अगर ऐसा करना है कि हम अपनी लैंग्वेज को बचाना चाहते हैं, डायलेक्ट्स को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी जड़ों से जो है जुड़ा रहना होगा. यानी कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अपनी मदर टंग में जनरली बात किया करें, पुरानी बुक्स पढ़ें जो अपनी लैंग्वेज में हैं उनको पढ़ के देखें, या फिर जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे बातचीत करें. तब आपको जो है अपने जो पुराने लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी रहेगी और आप उससे जुड़े रहेंगे. अब है वर्किंग विद वर्ड्स. गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर. यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वर्ड्स के, आपको बताना है कि इनको साथ में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. पहला है घोस्टली डस्ट डेविल्स. This term refers to the violent movement of dusty winds in a desert. इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा तेज हवाएं जो होती हैं, धूल से भरी हवाएं जो चलती हैं डेजर्ट में, उसके लिए बोला जा रहा है. The winds are called devils because they punish and annoy the workers for disturbing the king tut storm. और ये जो winds हैं, इनको हम devil इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर उस worker को जो कि king tut के storm को जो है disturb करता है, उसको either punish करती है या फिर उसको परेशान करती है. डेजर्ट स्काई मीन्स सजेस्ट द ड्राइनेस एंड एरिडिटी ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट स्काई का मतलब हुआ कि जो डेजर्ट है वो बिल्कुल सूखा है, रेतीला है और वहाँ नाम ही नहीं है बारिश का. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, द टर्म कंटेन आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेजर्स ऑफ हाई मार्केट वैल्यू, ब्यूटी एंड ब्रिलियंस. जो आर्टिफैक्ट्स हैं उस टर्म के साथ या उस टर्म के अंदर जो मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई मार्केट वैल्यू के हैं, बहुत ही रेयर हैं, सुंदर हैं और एक आर्टिस्टिक नमूने हैं. फ्यूनरी ट्रेजर्स,
The treasures buried with the king Tut's mummy were all made of gold and were extremely valuable. वो जो treasure खजाना जिसे हम कह रहे हैं, जो king Tut's की मम्मी के साथ बरी किया गया, वो पूरी तरह से सोने का बना था और बहुत ज़्यादा कीमती. Scientific detachment. It refers to a rejection of scientific intervention and traditional methods. यहाँ पर जो बात करी जा रही है scientific detachment की, ये जो scientific तौर पे एक तरह से आप दखलंदाजी कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको एक तरह से ये लोग पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं. डार्क बेलीड क्लाउड्स, क्लाउड्स दैट आर डार्क इन कलर एंड इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म्स एंड हैवी रेन्स. यानी कि काले बादल जो छा जाते हैं तो वो जो है डार्क बेलीड क्लाउड्स, यानी कि ऐसे बादल जो बहुत ज्यादा घने हैं, काले हैं और लगता है कि तूफान आएगा या बहुत तेज बारिश होगी. कास्केड ग्रे. द स्टार्स आर श्राउडेड इन डार्क ग्रे क्लाउड्स एज इफ दे वर ज्वेल्स केप्ट इन द कास्केड. जो तारे हैं वो एक तरह से ऐसा लग रहा है उनके आगे एक ग्रे क्लाउड्स का श्राउड डाल दिया है और वो जो है ऐसा लग रहा है जैसे मानो ज्वेल्स की तरह हैं जो एक कास्केट में रख दिए गए. एटर्नल ब्रिलियंस रिफर्स टू समथिंग दैट विल लास्ट इनडेफिनेटली एंड इज अनअफेक्टेड बाय टाइम. मतलब कभी ना खत्म होने वाली, हमेशा के लिए वो रहेगी और समय से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इट इज यूज टू हियर टू डिस्क्राइब द ग्लीम एंड लस्टर ऑफ टट्स गोल्डन ट्रेजर एंड आर्टिफैक्ट्स. यहाँ पर जो जो भी टट्स का गोल्डन ट्रेजर है, जो आर्टिफिकेट्स है, उसकी जो एक चमक है, उसकी जो एक फेम है, वो हमेशा बरकरार रहे. रिचुअल रेजन्स. कस्टमली द रेजन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ बॉडी फॉर ममीफिकेशन एंड इन बरियल रिचुअल्स. ज्यादातर ये जो रेजन्स है इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि बॉडी को जो है ममी बनाया जा सके या बरियल के टाइम पे जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है. वर्चुअल बॉडी, अ मशीन क्रिएटेड इमेज ऑफ आर आर्टिफिशियल बॉडी दैट रिप्रेजेंट द रियल बॉडी. एक मशीन के द्वारा इमेज बनानी या आर्टिफिशियल बॉडी को क्रिएट करना जो बिल्कुल रियल बॉडी को दिखाती है. इट कैन बी यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द रियल बॉडी. इसकी मदद से जो रियल बॉडी है उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी या फैक्ट्स मिल सकते हैं. हियर आर सम कॉमनली यूज्ड मेडिकल टर्म्स, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. अब आपको जो है कुछ मेडिकल टर्म्स जो हैं जो आमतौर पर भाषा में इस्तेमाल करी जाती हैं उनके मीनिंग्स बताने हैं. पहला है सीटी स्कैन. दे आर स्पेशलाइज्ड एक्सरे टेस्ट दैट यूज एक्सरे इन अ कंप्यूटर टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडी. ये एक खास तरह के एक्सरे टेस्ट होते हैं और इसमें जो है एक्सरे और कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ताकि हमारी बॉडी की क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार की जा सके. MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट एम्प्लॉयज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू जनरेट अ डिटेल्ड इमेज ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स. MRI मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और रेडियो वेव्स हैं उनकी मदद से एक डिटेल्ड इमेज तैयार होती है जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं या बोन्स होती हैं उनकी. टोमोग्राफी. इट रिफर्स टू द सेक्शनल इमेजिंग और सेक्शनिंग यूजिंग एनी टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग वेव. टोमोग्राफी का जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं, किसी भी जो रेज को जब हम अंदर डालते हैं तो जो सेक्शनल इमेज सेक्शनिंग होती है उसको टोमोग्राफी कहते हैं. इट इज यूज्ड इन रेडियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंटिफिक फील्ड्स. ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है रेडियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में या फिर और जो साइंटिफिक फील्ड्स होती है उनमें किया जाता है. ऑटोप्सी क्या हुई. इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट एंटेल्स डिसेक्टिंग अ कॉर्प्स टू डिटरमिन द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ और टू इवेल्युएट एन इंजरी फॉर रिसर्च पर्पसेस. एक तरह की ये सर्जरी होती है जिसमें जो डेड बॉडी होती है उसको डाइसेक्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि किस कारण से उसकी डेथ हुई और किस तरह से उसकी डेथ हुई, या अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको जांचने के लिए रिसर्च पर्पस से जो है ऑटोप्सी का इस्तेमाल होता है. डायलिसिस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर and toxins from the blood in people whose kidneys have lost the ability to do so naturally. Dialysis एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसमें से जो एक्सेस पानी है या जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल दिया जाता है जब उनकी किडनी जो है अपने आप प्राकृतिक तौर पर वो काम नहीं कर पाती है. ECG electrocardiogram है, also known as ECG, is a diagnostic tool used to evaluate the electrical and muscular functions of the heart. हमारे हृदय के जो इलेक्ट्रिकल और मस्कुलर फंक्शंस हैं उनको जांचने के लिए ECG इस्तेमाल होता है. पोस्टमार्टम. अ कॉर्प्स इज एग्जामिन्ड और एनालाइज्ड सून आफ्टर डेथ टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ. पोस्टमार्टम मतलब हुआ कोई भी जो डेड बॉडी है उसको एग्जामिन करना, उसको जांचना उसकी फॉरन डेथ के बाद ताकि ये पता चल सके कि डेथ का कारण क्या था. एंजियोग्राफी. इट इज अ टाइप ऑफ इमेजिंग टूल
used to see inside blood vessels and organs of the body, specifically arteries, veins or heart chambers. Angiography एक तरह का imaging tool है जिसमें हम blood vessels, organs जो हैं body के खासतौर से arteries, veins या जो heart के chambers हैं उनके अंदर की जांच कर सकते हैं. Biopsy it is a medical procedure in which surgeons, radiologists or cardiologists extract cells or tissues for examination in order to determine the presence and extent of a disease. Biopsy का मतलब हुआ है एक तरह की medical प्रक्रिया जिसमें surgeon हो, radiologist हो, cardiologist हो, ये जो हैं cell या tissues को निकालते हैं examination के लिए ताकि ये पता चल सके कि किस हद तक और कौन सी disease जो है वो हुई है. Notice these expressions in the text. Guess the meaning from the context. अब आपको जो expressions दिए हैं उनको बारे में बताना है कि उनका मतलब क्या है. पहला है forensic reconstruction. It is an activity of building again something damaged or to help scientific test to solve a crime. ज्यादातर ये वो गतिविधि होती है जिसमें जो चीज खराब हो गई है उसको दोबारा से बना के देखा जाता है जिससे कि साइंटिफिक टेस्ट में मदद मिल सके और क्राइम को सॉल्व किया जा सके. स्कूटेड अक्रॉस. स्कूटेड अक्रॉस का मतलब हुआ मूव्ड क्विकली अक्रॉस समथिंग, किसी भी चीज के आगे तेजी से निकलना या क्रॉस करना. कास्केट ग्रे, अ स्मॉल ग्रे बॉक्स और ग्रे स्काई, कोई भी छोटा सा ग्रे बॉक्स या ग्रे स्काई को बोलते हैं. रिसरेक्शन, अ न्यू बिगनिंग फॉर समथिंग विच इज ओल्ड. रिसरेक्शन का मतलब हुआ एक नई शुरुआत उस चीज की जो कुछ पुरानी हो चुकी. फ्यूनरी ट्रेजर्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स यूज्ड एट अ फ्यूनरल. फ्यूनरल के टाइम पे जो कीमती चीजें जो है यूज करी जाती है उनका कलेक्शन करना. सर्कमवेंटेड, found a way of avoiding a difficulty or a rule. कोई भी परेशानी है या रूल है उसको अवॉइड करने के लिए रास्ता निकाल ले. एरी डिटेल, स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग लिटिल बिट्स ऑफ फैक्ट्स, भले बड़े अजीब से डरावने पर छोटे छोटे फैक्ट्स के यानी जो तथ्य होते हैं उनके टुकड़े पीसेस. द कॉन्स्टेलेशन ओरियन इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ओरिसिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. जो कॉन्स्टेलेशन ओरियन है ये जुड़ा हुआ है लेजेंड ऑफ ओसिरिस से जो कि गॉड माने जाते हैं आफ्टर लाइफ के. फाइंड आउट द एस्ट्रोनॉमिक डिस्क्रिप्शन एंड लेजेंड एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग. अब आपको बताना है एस्ट्रोनॉमिक डिस्क्रिप्शन और लेजेंड जो उनसे जुड़े हुए हैं. अर्सा मेजर, सप्तऋषि मंडल जिसे कहते हैं. दिस ब्राइट कॉन्स्टेलेशन कैन बी ऑब्जर्व ऑल ईयर लॉन्ग एज इट नेवर सिंक्स बिलो द होराइजन. ये जो है एक तरह का बहुत ब्राइट सा कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम पूरे साल देख सकते हैं और ये कभी जो है होराइजन से मतलब हटता नहीं है. It is also known as greater bear, as it represents the black back and the tail of a bear. इसको जो है greater bear भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो bear होता है उसका back और tail को दर्शाता है. According to Sanskrit mythology, this group of seven sages also move around the constant star Dhruv Tara, known as Polaris. जो हमारी संस्कृत माइथोलॉजी है उसके अनुसार ये सप्तऋषि हमें कहते हैं कि एक ग्रुप है सेवन ऋषिज का जो एक ध्रुव तारा होता है जो कि कांस्टेंट स्टार है अपनी जगह रुका रहता है उसके अलोंग मूव करते रहते हैं और इस ध्रुव तारे को हम पोलरिस कहते हैं. पोलरिस यानी ध्रुव तारा. दिस स्टार रिमेंस कांस्टेंट एंड ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये तारा हमेशा कांस्टेंट रहता है एक ही जगह पे और इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ होता है. द डायरेक्शन ऑफ अर्सा मेजर कीप्स चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ द नाइट बट पोलरिस रिमेंस. जो अर्सा मेजर है यानी जो सप्तऋषि हैं उनका डायरेक्शन बदलता रहता है जैसे जैसे रात बदलती है लेकिन जो पोलरिस है वो हमेशा उसी जगह रुका रहता है. इट इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ध्रुव, द 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वाज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड विष्णु विद अ परमानेंट एंड कांस्टेंट अबोर्ड इन द यूनिवर्स. इसका जो जुड़ाव है लेजेंड ऑफ ध्रुव जो हम कहते हैं एक 6 साल का बच्चा था जिसको भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि उसको एक परमानेंट और एक ही जगह जो है जगह दी थी यूनिवर्स के अंदर. पेगासस विंग्ड हॉर्स है. दिस इज एसोसिएटेड विद ग्रीक माइथोलॉजी एज द विंग्ड हॉर्स स्प्रंग फ्रॉम द मेड्यूसास ब्लड. ये ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है. ये एक विंग्ड हॉर्स है जो कि मेड्यूसा के ब्लड से निकला था. इट कैरीज लाइटनिंग बोल्ट्स फॉर ज्यूस. ये जो बिजली होता है एक तरह से वो लेके आया ज्यूस के लिए. पेगासस कॉन्स्टेलेशन मे बी सीन वेयर स्टार्स अराउंड. पेगासस कॉन्स्टेलेशन हम वहां देख सकते हैं जहां स्टार्स नहीं होते. सीरियस डॉग स्टार. दिस इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ओरियन. अब ये जो है लेजेंड ऑफ ओरियन से जुड़ा हुआ है. इट इज कॉल्ड डॉग स्टार एज इट रिप्रेजेंट्स ओरियन्स लार्ज हंटिंग डॉग. इसे डॉग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओरियन का जो बहुत बड़ा हंटिंग डॉग था उसको रिप्रेजेंट करते हैं. द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सीरियस इन डाउन अनाउंस द राइजिंग ऑफ द नाइल इन एंशिएंट इजिप्ट. जो पहली झलक थी सीरियस की
डॉन में वो ये बताती है कि नाइल जो है उसकी राइजिंग हुई एंशिएंट इजिप्ट में। जेमिनाई मिथिन जिसे कहते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नक्षत्र आराध्रा और पुनर्वासु, और इनकी जो है कॉन्ट्रोडिक्टिंग क्वालिटीज होती है, यानी ऑपोजिट विपरीत क्वालिटीज होती हैं। सम ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स मेंशन इन द पैसेज फॉर अडॉर्निंग द डेड आर विलो, ऑलिव, सेलरी, लोटस, कॉर्नफ्लावर। विच ऑफ दीज आर कॉमन इन अवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में इन लीव्स में से या इन फ्लावर्स में से कौन से कॉमन हैं? विलो, ऑलिव, लोटस और कॉर्नफ्लावर, ये हमारे यहाँ कॉमन है। नेम सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट आर यूज्ड एज एडॉर्नमेंट्स इन अवर कंट्री। एडॉर्नमेंट के तौर पे हमारी कंट्री में कौन कौन से फ्लावर्स यूज किए जाते हैं? रोजेस, लोटस, मार्टल्स, मैरीगोल्ड्स, चंपा एंड चमेली फ्लावर्स एंड द लीव्स ऑफ मैंगो, पीपल, बनाना एंड बेसिल आर यूज एज एडॉर्नमेंट्स इन अवर कंट्री। एडॉर्नमेंट का मतलब होता है श्रृंगार या सजावट के लिए। तो ये था आपका चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन।